नैब इंडिया यानी नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इंडिया, इंडिया की सबसे पुरानी संस्था है जहां दृष्टिहीनों के लिए शिक्षा, रोजगार और पुनर्वसन की सेवा दी जाती है। नैब इंडिया पर संपर्क करने के लिए हमें ईमेल करें hsg@nabindia.info पर। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, हमारा नंबर है 02266838637। डिस्क्लेमर, वैसे हमें ये देने की आवश्यकता तो है नहीं, फिर भी एक जिम्मेवार रेडियो के जिम्मेवार आरजे होने के नाते आपको सावधान करना हमारा फर्ज बनता है, सो हम कर देते हैं। यदि हमारा शो सुनकर आपकी डायबिटीज या बीपी क्योर हो जाती है तो इसमें हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है, हम अपने ऊपर कोई ब्लेम नहीं चाहते। और अगर हमारे शो में हंस हंस कर आपका ब्लड ओवरफ्लो हो जाए तो आप अपने नजदीकी ब्लड बैंक में जाके उसे डोनेट कर सकते हो। यदि हमारे जोक आपको समझ आ रहे हो तो ये हमारी खुशकिस्मती है, यदि समझ में नहीं आ रहे तो क्या करते हो यार, मैकेनिक के पास जाओ यार। अगर हमारे शो को लेकर आपके पास कोई भी फीडबैक या सुझाव हो तो प्लीज 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 मेहरबानी करके वो अपने पास ही रखिए, हमें देने या हम तक पहुंचाने की बिल्कुल भी चेष्टा मत कीजिए, हमें आपके सुझावों की कोई आवश्यकता नहीं है, हम ऐसे ही बहुत समझ आ रहे हैं। हेलो, वेलकम, गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, क्या हाल चाल? Hey sexy lady, ooh baby, I am your man। आगे आपका हरदी लजीज, नाम है मंचले मनीष, लेकर आपका अपना शो कॉमेडी का क्रोकोडाइल। तो बने रहिए घंटा मेरे साथ और सुनते रहिए शो को, एंजॉय कीजिए रेडियो उड़ान को। दोस्तों, आज मिलवाएंगे हम आपको एक ऐसे कॉमेडियन से जिसने कई दशकों तक सभी के दिलों पर राज किया है और सभी को खूब हंसाया भी है। ये हैं बॉलीवुड के हरफन मौला, जिन्होंने अपनी कॉमेडी के साथ साथ राइटिंग, एक्टिंग, डायलॉग डिलीवरी और विलन गिरी से भी सभी का दिल जीता है, सभी के दिलों पे राज किया है। इनका नाम है मिस्टर चौधरी होशियारचंद शिकारपुरी, बारूद वाला है। दोस्तों, आज के शो में हम मिलवाएंगे आपको कादर खान जी से, सुनाएंगे उनके कुछ अनसुने किस्से जिन्हें मैंने सुन लिया है और लेकर आया हूं आपके लिए, और सुनेंगे उनके कुछ मजेदार कॉमेडी सीन्स जिसे सुन के आपको भी बाय गॉड मजा आ जाएगा। आज के शो की बातें शुरू करने से पहले सुन लेते हैं इनका एक सॉन्ग। तो बने रहिए आप हमारे साथ और सुनते रहिए कॉमेडी का क्रोकोडाइल ओनली ऑन रेडियो उड़ान। फिर मिलेंगे एक सॉन्ग के बाद, कहीं जाना मत यार, शो भी बाकी है। ओ मेरी पान सुपारी, अरे रुक जा मेरी जान, कादर खान, अरे मैं तो तेरा प्रीतम हूँ, मेरी पान की दुकान, मेरी दुकान पे अन्ना मेरी जान, मेरी दुकान पे अन्ना मेरी जान, आगे दुकान पीछे मकान, मेरा प्रीतम है ना तेरा प्रीतम हूँ मैं, प्रीतम है ना तेरा प्रीतम हूँ मैं, मुझको न समझो कादर खान, मेरी दुकान पे अन्ना मेरी प्रीतम हूँ मैं, मुझको न समझो कादर खान, मेरी दुकान पे अन्ना मेरी जान, thank you।
तक वापस ना आ जाए वो तेरा परदेसी, तब तक रोज कहे तो तुझको पान खिलाओ देसी। सुनो मेरी प्यारी, मैं हूँ तेरा प्रेम पुजारी। सुनो मेरी प्यारी, मैं हूँ तेरा प्रेम पुजारी। दिल में कितनी नारियां, घर में नहीं एक भी नारी। हो खाली पड़ा अपनी रेशमी जुल्फों से तू मुझे लगा दे फांसी। मुश्किल तू मेरी कर दे आसान, मुश्किल तू मेरी कर दे आसान। मेरा प्रीतम है नाम तेरा, प्रीतम हूँ मैं। मुझको न समझो कादर खान, मेरी दुकान पे अन्ना मेरी जान। आगे दुकान पीछे मकान, मेरी दुकान पे अन्ना मेरी जान। आगे दुकान है पीछे मकान। एक ब्रेक के बाद फिर से स्वागत आपका रेडियो उड़ान पर। शो चल रहा है कॉमेडी का क्रोकोडाइल, मेरे यानी मंथले मनीष के साथ। तो आज बात हो रही है कादर खान जी की। इन्होंने बॉलीवुड में अपनी शुरुआत एज ए राइटर की थी। ये कॉलेज टाइम से ही प्ले वगैरह लिखते थे। तब इन्होंने एक कंपटीशन में भाग लिया जिसमें इनके प्ले ने सभी अवार्ड जीत लिए, बेस्ट राइटर, डायरेक्टर एंड एक्टर। तो इन्हें कुल मिला के प्राइज में 1500 रुपये मिले। तभी इन पे एक डायरेक्टर की नज़र पड़ी और उन्होंने अपनी फिल्म के लिए इनसे डायलॉग लिखवाए। ऐसे इनकी शुरुआत एज ए राइटर बॉलीवुड में हो गई। वो फिल्म थी जवानी दीवानी। शुरुआती दौर में इन्होंने काफ़ी फिल्मों में डायलॉग लिखे जो बहुत ज़्यादा हिट भी हुए और लोगों ने बहुत पसंद किए। तो दोस्तों अब शुरुआत करते हैं इनके कॉमेडी सीन से। सुनिए इस कॉमेडी क्लिप को। इसमें ये घर जमाई बने हुए हैं और बहुत अच्छी कॉमेडी की है इन्होंने। इसे सुनिए और मज़ा लीजिए। शर्म है कि नहीं कि उसे भी बेचकर खाए आए हो? बच्चा बेचारा अकेला स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा है और तुम खर्राटे का बैंड बजाए औंधे पड़े हुए हो। अरे अपने आप को बाप कहते हो, बाप ऐसा होता है क्या? मैंने तो जितने बाप देखे सब ऐसे ही होते हैं। तुम्हारा बाप क्या अलग डिजाइन का है क्या? खामोश, मेरे साथ जबान लड़ाई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ सर, बात तुमसे बुरा कोई हो भी कैसे सकता है? क्या
नहीं नहीं कुछ नहीं, मेरे मन के ख्यालात की कुछ डकार थी वो निकल गई, तुमको कुछ भी नहीं बोला मैंने। चलो चलो जल्दी उठो, बबलू बेचारा नहीं तो भूखा स्कूल चला जाएगा। सुनो, अगर भाभी ने नाश्ता नहीं बनाया होगा तो तुम खुद बना लेना। सुनो, मेरे लिए भी नाश्ता लेते आना। अरे सुनो तो, पूछो तो सही क्या लाना है। एक डबल ऑमलेट, 8 टोस्ट बटर, एक बोनबीटा का ग्लास और गाजर का हलवा, समझ गए? अब क्या हुआ? नहीं, मैं सोचा तुम फिर बोलोगे। अरे सुना तो मैं एडवांस में खुद ही चला आया। अब जाओ ना, जाके कुछ काम भी करो, ससुराल में बैठे मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहते हो। अरे कुछ हाथ पैर भी हिला लिया करो। इतने ढीले कपड़े में हाथ पैर हिलाऊंगा तो देखेगा किसको? ये तुम्हारी माँ के मरे हुए बाप के कपड़े हैं, कोई नए तो दिला दो सही। अरे लायक तो बनो इसके, सुबह सुबह दिमाग चाट लेता है मेरा। भाई साहब जरा एक मिनट इधर आएंगे। ये बोलती है मैं इसका दिमाग चाट रहा हूँ, इसका दिमाग शैतान नहीं चाट सकता, मैं क्या चाटूंगा। एक मरता शैतान ने इसका दिमाग चाटा था तो उसको उल्टी हो गई थी। ईमान से बस, मैं बाद में मिलूंगा। अरे क्या मुसीबत है यार, मालूम नहीं मेरे को भगवान ने कौन सी मिट्टी का बनाया है। शादी करने के बाद बीवी की नौकरी कर रहा हूं और मरने के बाद ये मेरा मरा हुआ बाप तस्वीर में से बोलता रहता है। क्या है बीवी के सामने तुम हिलाने वाले, कहां जा रहा है? बावर्ची खाने में खाना बनाने चलता है। लानत है, सारी जिंदगी यही करता रहेगा। अबे चुप रहना यार, कभी उसने सुन लिया तो मेरे घर से बाहर निकाल देगी और तेरी इस तस्वीर को ऐसे बाहर फेंक देगी जैसे फटी हुई किताब होती है। उसके बाप का राज है, मैं भी तेरा बाप हूँ। अरे अंदर क्या कर रहा है, बाहर क्यों नहीं निकलता? चुप। क्या मुसीबत है यार, इसको मरने के बाद भी चैन नहीं है, अभी आना नहीं दोबारा। क्या नालायक, इसीलिए मना करता था, इस लड़की से शादी मत कर मत कर मत कर, मगर तू नहीं माना, कहने लगा नहीं मैं इसी लड़की से शादी करूंगा नहीं तो 1.5 किलो जहर पी के जान दे दूंगा। अब रोज 1.5 मन जिंदगी का जहर पी रहा है ना। पी बेटा पी पी। तो क्या करता, तुम भी तो मेरी शादी नहीं करवा रहे थे, मेरे साथ वाले सब 40-40 बच्चों के बाप बन गए और तुम मेरी शादी का नाम भी नहीं ले रहे थे, तो जल्दबाजी मैंने गोबर खा लिया। अबे नालायक जल्दबाजी तो ठीक है, मगर घर जमाई बनने के लिए किसने कहा था? मर्द बनकर बीवी को अपने घर ले आता? कहाँ ले आता, 8x8 का तो झोपड़ा था तुम्हारा, आदमी अंगड़ाई ले तो हाथ दूसरे के मुंह में चला जाए, ऐसे में ये बीवी को लेकर आता। ये मेरे को तकिए के रूई की तरह नोच नोच के खा गई होती है, अभी तक झोपड़ा उड़ा दिया होता, झोपड़ा क्या पूरा मोहल्ला उड़ा दिया होता, भोपाल गैस ट्रेजेडी की तरह सब तरफ लाशी लाशी बिछी होती है कि नहीं। किससे बात कर रहे हो? नहीं मैं किसी से भी नहीं, मैं किससे बात कर सकता हूँ? झूठ मत बोलो, मुझे सब पता है, रोज चुपके चुपके अपनी बाप की तस्वीर से मेरी बुराइयां करते रहते हो। नहीं मैं नहीं करता, मैं कहाँ। चलो चलो पाव दबाओ, मेरा सारा शरीर दुख रहा है। हाँ अच्छा, तो मैं एक काम करता हूँ, सर से लेके पैर तक और गले को कस के एकदम। क्या? नहीं नहीं गला दबाओ तो गड़बड़ हो जाएगी। नहीं नहीं तुम सो जाओ। मेरी ऐसी तकदीर कहाँ जो मैं गला कस के दबाऊं, मेरी क्या मुसीबत है? नहीं ये बीवी मुझे जीने नहीं देती है, ये मरा बाप मुझे सोने नहीं देता है, कहाँ फंस गया हूं मैं। एक ब्रेक के बाद फिर से स्वागत आपका रेडियो उड़ान पर। शो चल रहा है कॉमेडी का क्रोकोडाइल, मेरे यानी मंचले मनीष के साथ। राइटिंग और डायरेक्शन के बाद अब इन्होंने फिल्मों में एक्टिंग करना भी शुरू कर दिया और इनकी एक्टिंग को बहुत पसंद किया जाने लगा। इन्होंने फिल्मों में लगभग हर तरह की एक्टिंग की है, चाहे वो कॉमेडियन हो या विलन, भाई का रोल हो या बाप का,
इन्होंने सभी रोल बहुत ही अच्छे से निभाया है और डायलॉग डिलीवरी तो इनकी सुने तो सुनते ही जाएं। वैसे मुझे तो ज़्यादा अच्छे ये कॉमेडियन में लगते हैं, मुझे इनकी कॉमेडी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो आपके लिए मैं लेकर आया हूँ मैं इनका एक और कॉमेडी क्लिप, तब तक आप इसे सुनिए, फिर मिलते हैं कॉमेडी ब्रेक के बाद, और भी बताएंगे आपको कादर खान जी के बारे में आगे इस शो में। ये चकली कैसे थी भाई? दो के 20 पैसे। दो का 20 पैसा? जी। हमारे बचपने में तो 10 पैसे में एक मिलता था, अभी 20 पैसे में दो मिलने लगे, क्या जमाना आ गया यार। अच्छा काम करो जी। दो चकली दो तू। ये लीजिए। ये केला क्या भाव दिया? 20 पैसे का एक। यार तुम बहुत सस्ता माल बेचते हो, घर में कुछ बचता बचता है कि नहीं? एक काम करो, ये दो चकली लो और एक केला दो। ये लीजिए। मीठा घर के भाव का है क्या? जी नहीं, वसई से मंगवाया। अच्छा अच्छा अच्छा। केला में जाते ही एड्रेस बता रहा है कि वसई से आया है। वसई के केले बहुत अच्छे होते हैं, तुम भी रोज खाया करो, पेट साफ रहा करेगा। चलता हूँ। अरे भाई साहब पैसे। कैसे पैसे? केला नहीं खाया क्या? तो चकली नहीं लिया क्या? तो चकली के पैसे। अरे तो चकली तो मैंने वापस कर डाली। मगर अरे सीधा हिसाब है यार, चकली मैंने लेके लौटा दी, उसके बदले केला लिया, तो केले की कीमत चकली हुई, चकली तुम्हारे पास है तो केले की कीमत चकली और चकली की कीमत केला, तो बीच में पैसा कहाँ से आया? तुम सीधे से दुकान चलाओ ना, दुनिया लूट के ले जाएगी। तुम हिसाब करो, वापिस आता हूँ। चकली केला केला चकली, बीच में कुछ गड़बड़ा। अरे भाई साहब आज सारे भारत में हमारे गांव का नाम सबसे ऊंचा है, किसकी वजह से? मेरी वजह से। हर खेत पंजाब की तरह लाजवाब है, किसकी वजह से? मेरी वजह से। इस गांव का हाल भोपाल हो रहा है, किसकी वजह से? इनकी वजह से। आज तक जो कुछ मैंने कहा वो मेरी वजह से नहीं था, इनकी वजह से था। मालिक आपके चरणों की लगी हुई धूल को मेरा नमस्कार। मुझे मालूम नहीं था कि आप मेरे पीछे खड़े, मैं समझा कोई जानवर अपनी सींग से मेरे पीठ पे खटमंडू बना रहा है। अब मुनीम के बच्चे, तुझ जैसे बकवासी इंसान की जबान जड़ से उखाड़ कर छोटे छोटे टुकड़े बनाकर कब्बों को खिला देनी चाहिए। हम तेरे पीछे खड़े थे, तुझे मालूम नहीं हुआ क्या? तू हमें पीछे से नहीं देख रहा? आखिरी बार गलती हो गई मालिक, अगली बार मैं आपको आगे से पीछे से ऊपर से नीचे से चारों तरफ से देख लिया करूंगा। चुप। हम जा रहे हैं उस सरकारी डॉक्टर से मिलने। आप जा रहे हैं? हाँ, हमारी दावत ना कबूल करने का मजा चखाने के लिए। तुमने कहा उस लड़की को अपनी बहू बनाओ, मैंने बना दिया। तुमने कहा उस पे जुल्म करो, मैंने कर दिया। अब तुम चाहते हो मैं गधे की तरह घर का काम करूं? अमीन बोझू, ये कोई इंसानियत का पटियाला है? अरे वाह, गांव वाले देखेंगे तो मेरे मुंह पे थूकेंगे। गांव वाले अगर तुम्हारे मुंह पे थूकते हैं तो थूकने दो है? तुम क्या हमारी खातिर थोड़ा सा थूक बर्दाश्त नहीं कर सकते? हम जिंदगी और मौत की कसमकस के बीच में फंसे हैं और तुमको थोड़े से थूक की फिक्र है? ये काम बहुत जरूरी है, करना पड़ेगा। मैं नहीं करूंगा। और कोई चारा नहीं है। करता हूँ ना, मैं कहाँ इनकार कर रहा हूँ। अरे पिताजी ये क्या कर रहे हैं? नहीं मैं किए थे। अरे नहीं बेटी, क्या कर रही हो तुम? तुम आराम करो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, आज से काम यही करेंगे। तुम जाओ 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 करो। नारायण दास देखो, इस सारी जमीन पर हमें जगह जगह धब्बे नजर आ रहे हैं, इन्हें साफ कर देना, आईने की तरह बिल्कुल चमका देना इसको। हम चलते हैं, शक्ल नजर आनी चाहिए। आईने की तरह चमकाना, शक्ल नजर आनी चाहिए। चमकाऊंगा, ऐसे चमकाऊंगा कि तुम घर में बैठे रहोगे, शक्ल यहाँ नजर आएगी। शैतान कहीं का। तो समझ गई लीला, तुम्हें क्या लीला दिखानी है? हाँ जी। बरसों पहले तुम्हारी माँ ने अपनी कलाकारी से रवि के बाप को बदनाम किया था, अब तुम्हें रवि को बदनाम करना है। अगर तुम पुश दर पुश यही काम करती रही तो तुम्हारा नाम इतिहास में सुनहरी शब्दों से लिखा जाएगा, ये मर्दों का सत्यानाश करने वाली बहादुर औरतें। मेरी तो भगवान से प्रार्थना है कि हे भगवान, मुझे भी अगले जन्म में औरत बनाकर इन्हीं के खानदान में पैदा करना। लेकिन
अगर इस काम में थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई तो मैं तुम्हारा नंगा पर्वत बना डालूंगा। क्या बना डालूंगा? नंगा पर्वत। चलो सरकार, इस एक शादी से आपको कितने फायदे हो रहे हैं? मेरा तो नुकसान ही नुकसान हो रहा है। एक तो बेटे की गलत जगह शादी करवाई, ऊपर से अपनी प्यारी बहू पर जुल्म भी करना पड़ रहा है। नुकसान भी उठाऊं, पाप भी कमाऊं। चलिए आपके लिए सब मंजूर है, लाइए वो लाख रुपया निकालिए, मैं कुछ दिनों के लिए अपना मुंह बंद कर लेता हूँ। लाख रुपए? कौन से लाख रुपए में? आपने शादी के मंडप में कहा था ना 1,00,000 रुपया दूंगा। मुझसे झूठ बोलता है? मैंने लाख नहीं बोला था, 50,000 बोले थे। कैसी बात कर रहे हैं, 50,000 में तो मैं अपनी शादी नहीं करूंगा, बेटे की तो दूर की बात है। क्या है, उस दिन वो शहनाई जोर से बज रही थी ना, आपको ठीक से सुनाई नहीं दिया होगा। नारायण दास, तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हारी मुट्ठी में हूँ। अगर मुझसे हुज्जत करोगे, अगर लाख रुपए दोबारा तुम्हारे मुँह से निकला तो ना नारायण रहेगा ना दास। बिना फाटक की रेलवे लाइन पे लिटा दूंगा। नारायण इस तरफ कट जाएगा, दास उस तरफ कट जाएगा। कैसी बात करते हैं मालिक, दरअसल क्या है कि उम्र का तकाजा है, भरपूर जवानी तो रही नहीं, बुढ़ापा आ गया है और याददाश्त भी कमजोर हो गई है। अब याद आया मुझे, हाँ उस दिन आपने 50,000 ही कहे थे। नहीं, 25,000 कहे थे। एक ब्रेक के बाद फिर से स्वागत आपका रेडियो उड़ान पर। Hey sexy lady, ooh baby, I'm your man. शो चल रहा है कॉमेडी का क्रोकोडाइल, मेरे यानी मंचले मनीष के साथ। इन्होंने अपने फिल्मी करियर में बहुत सारे विलन के रोल किए हैं। कहा जाता है एक बार इनके बेटे सरफराज को सिर में चोट लगी और खून बहने लगा। तब इन्होंने पूछा कि तुम्हें ये चोट कैसे लगी? तब सरफराज ने बताया कि मोहल्ले में बच्चे उसे विलन के बेटे कहके चिढ़ा रहे थे। तभी उनका झगड़ा होने पे किसी बच्चे ने उन्हें पत्थर मार दिया सिर में। तभी कादर खान जी ने ठान लिया कि अब वो विलनगिरी छोड़ देंगे और परमानेंट कॉमेडियन बन जाएंगे। इस तरह इनकी शुरुआत हुई परमानेंट कॉमेडियन बनने की, और इन्होंने कॉमेडी में बहुत अच्छे अच्छे रंग दिखाए हैं। क्या गजब की कॉमेडी करते हैं ये, और असरानी के साथ तो इनकी जोड़ी देखते ही बनती है। तो मैं लेकर आया हूं आपके लिए कादर खान और असरानी जी का एक कॉमेडी क्लिप, जिसमें ये दुकान के मालिक बने हुए हैं और असरानी उस दुकान का नौकर। तो सुनिए, जब ये कॉमेडी जोड़ी साथ में आती है तो ये क्या रंग दिखाती है, इसे सुनिए और एंजॉय कीजिए। फिर मिलेंगे कॉमेडी ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाना, सुनते रहना कॉमेडी का क्रोकोडाइल ओनली ऑन रेडियो उड़ान। अबे हिंदुस्तान देख, शक्कर देख, अब तो वो जमाना आ गया कि लोग मीठी बातें करते, गर्म पानी पीते और चाय का मजा लेते हैं। ये तू क्या खा रहा है? केला। तेरे बाप का केला है? मगर मिलावट राम जी, सरकार ने हम लोग के हिस्से की शक्कर आपके पास भेजी है। अच्छा, सरकार ने भेजी है? बुलाओ सरकार को, अभी पूछता हूँ कब भेजी है। जो भेजी थी वो पिछली दिवाली में खत्म हो गई। मिलावट राम जी, हर कोई जानता है शक्कर का कोटा आपके घर में रखा है। हाँ रखा है, मगर वो कोटा मेरे घर का कोटा है, को हराम का कोटा नहीं है। मेरा बच्चा बगैर शक्कर के दूध नहीं पी रहा है, मेहरबानी करके अपने घर के कोटे से शक्कर दे दीजिए ना। अगर तेरे को मेरे घर के कोटे की शक्कर चाहिए तो तेरे को 10 रुपए का परमिट दिखाना पड़ेगा। मतलब 10 रुपया किलो? ठीक है, मजबूरी है? मजबूरी नहीं है, जरूरी है। कड़वाई के जमाने में तेरा शक्कर था ना, वो भी मीठी। मेवा लाल, एक किलो शक्कर बांध के दे, सफेद वाली मीठी वाली काले भाव में। ये तेरे बाप का माल है क्या? पानी निकाल। अरे भाई हमारा नंबर कम आएगा, धूप में खड़े खड़े पांव दुखने लगे। अबे साहब पैर दुखने लगे, कभी ये सोचा हमारे पैर कितने दुखते होंगे? जब मुझ जैसा नौजवान और मेरा ये बुढ़ा नौकर हम लोग शहर जाते हैं, सारा सामान सब उठा के लाते हैं,
और तुम देते हैं फरामोशों को देते। भाषण बंद करो ना, मुझे 5 किलो गेहूँ का आटा दो और ये रहा आपका परमिट 20 का नोट। अबे घुन की तरह गेहूं में पिसने वाले गधे, इस 20 रुपए में तेरे को 5 किलो आटा चाहिए? अबे आटे का फोटो नहीं मिलेगा। चलो दूसरा नंबर किसका आ गया? अच्छा अच्छा ठीक है, हेलो 5 रुपया, लेकिन याद रखना एक ना एक दिन तुम्हारा यह जुर्म जरूर खत्म होगा, जरूर खत्म होगा। नमक हराम हो तुम लोगों, मिसाल भूल के जिसका नमक खाते हैं उसकी थाली में छेद नहीं करते, और तुम लोगों ने मेरा नमक नहीं, मेरा आटा, मेरा दाल, मेरा चावल, मेरा जले जला खा लिया है और मेरे धंधे में छेद कर रहे हो। मेवालाल इसकी 5 किलो आटा मार। चला अगला नौजवान कौन है? 1 किलो चने की दाल देना। ये मुंह और चने की दाल, इस देश में बड़े बड़े नेताओं की दाल नहीं करती, तू कहाँ से दाल लेने आई है? चला मजा। सेठ जी ये लाइन में जाने वाली नहीं, ये मेरी रिश्तेदार है। ये तेरी रिश्तेदार है? अबे तू बिन माँ बाप का गटर में पैदा हुआ था। अच्छा? इतना लावारिस है कि तेरे को यतीम खाने वाले भर्ती नहीं करे थे, फिर तेरी रिश्तेदार कहाँ से आई? नहीं 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 नहीं, ये मेरे दूर के नजदीक के रिश्ते की रिश्तेदार है। का पता चला? ये रात को अंधेरे में मालूम पड़ा मुझे। सेठ जी दाल दे दीजिए। अच्छा चल, मेरा नौकर बोला इसलिए तेरे को दाल दे रहा हूँ। जा दाल लेकर आ। दाल ले। अरे मेरी फूलमती उस नकली वनस्पति की गोद में। अबे अबे आगे के मौसमी की खाने दिखाई नहीं देता, गाड़ी चला रहा है कि पतंग उड़ा रहा है? आपने मुझसे कुछ कहा? और नहीं तो क्या, आपने बाप से कुछ कहा? ये क्या चक्कर है, गाड़ी की टंकी में पेट्रोल की जगह मेंढक भरे क्या? वैसे रहे। मेरी टंकी में क्या भरा है वो तो बाद में बताऊंगा, लेकिन जो तुम्हारी गोद में धरा है उसे तो पहले हटाओ। क्या धरा है? एक तो लोगों को डराते हो, ऊपर से जबान चलाते हो, वैसे रहे। और तुम बुढ़ापे के सिरे पर जवानी का पोस्टर चिपकाते हो, कहीं तुम्हारी बीवी आ गई ना तो मार मार कर फटे हुए पोस्टर की तरह दीवार पे चिपका दे। ये बेचारी तो घबरा गई थी, मेरी गोद में गिर गई थी। जब कोई गोद में गिर जाता है तो उसको निकाल भी दिया जाता। तुम्हारी गोद कोई गांव का तालाब है, इसमें कोई जानवर गिर जाए तो घंटा भर लगता है उसको निकालने में। अरे जाने काले, देखा तुझे करनी का फल मिल गया ना? क्या मिला? तूने मेरे फूल पे हाथ डाला, भगवान ने तेरा मुंह काला कर डाला। मुंह काला? अरे तेरी, अरे तेरे को कीड़े पड़ेंगे इतने बड़े बड़े। एक ब्रेक के बाद फिर से स्वागत आपका रेडियो उड़ान पर। Hey sexy lady, ooh baby, I am your man. शो चल रहा है कॉमेडी का क्रोकोडाइल, मेरे यानी मंचले मनीष के साथ। जितना अच्छा ये डायलॉग लिखते हैं उससे भी ज्यादा अच्छा डायलॉग सुनाते हैं। इनकी कॉमिक टाइमिंग तो बहुत ही लाजवाब है। इन्होंने 300 से भी ज़्यादा फिल्मों में अपना योगदान दिया है, चाहे राइटिंग हो, चाहे डायरेक्शन, चाहे एक्टिंग हो या कॉमेडियन, ये बॉलीवुड के ऑलराउंडर हैं जो हर किरदार बखूबी निभाते हैं। तो दोस्तों मैं लेकर आया आपके लिए, तो इसे सुनिए और एंजॉय कीजिए कॉमेडी का क्रोकोडाइल को, ओनली ऑन रेडियो उड़ान। माँ जी आपके बेटे होशियार चंद जी अभी तक नहीं आए। आ गया। नमस्ते। नमस्ते। मेरा ही नाम चौधरी होशियार चंद शिकारपुरी बारूद वाला है। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। क्या तलते हो? आपको मुझसे मिलकर खुशी हो सकती है, मगर मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्या है? क्या करता है तू, बेचारे मेहमान है, कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तो करने दो ना, मैंने थोड़ी बोला था उनको, कोई भी आता घर में बिठा लेती उनको। क्या है भाई, कोई चंदा लेने आप लोग? अरे नहीं साहब, हम लोग क्या चंदा मांगने वाले लगते हैं। पहले ठीक से परिचय तो हो जाने दो। मेरा नाम शादीराम घरजोड़े है, मैं शादी के रिश्ते जोड़ता हूँ। मतलब शादियों के दलाल हैं आप? कैसे आना हुआ? पता चला आपकी बेटी शादी के लायक हो गई है, इसलिए लड़के को साथ लेकर आया हूँ। ये लड़के के पिता श्याम सुंदर जी हैं और ये लड़का गुड्डू, और ये उनकी माता जी हैं। तो लड़की को बुलाओ, लड़का लड़की को देखेगा, अगर दोनों एक दूसरे को पसंद आए तो बाकी बातों की चर्चा हम आराम से कर सकते हैं। मालती, मालती! जब तक मेरे गले से हुकुम की आवाज बाहर नहीं आएगी तब तक तेरे गले से कोई आवाज नहीं निकलेगी। मैं पहले इनको टटोल लूं, अपने दिमाग की कसौटी पर इनकी हैसियत को घस लूं, जब इनकी हैसियत मुझे भा जाएगी तब मेरी बेटी इनके सामने आएगी। समझा बहरे? जी जी राजी।
आप अपने शहर से लेकर यहाँ तक किस चीज में सफर करके आए हैं? बस में। आ? क्या बस में? बस में? यानी एक बड़े घराने की बेटी को अपनी बहू बनाने के सपने लेकर आए तो बस में? अरे मेरे दरवाजे पे भिखारी भीख मांगने आता है तो गाड़ी में बैठ के आता है, और ये लोगों के पास कार गाड़ी तक नहीं है। ये इतनी छोटी औकात के लोग हैं लोग। देखिए साहब, मैं आपको कैसी बातें कर रहा हूं? चुप कर बुढ़िया, मेरा सर फिरा हुआ है। और तुम मिस्टर दलाल, मैं तुमको बताऊं मुझे किस किस्म का दामा चाहिए जो दौलत में, जायदाद में, हैसियत में मुझसे 40 गुना कम से कम बड़ा हो। उसके गांव में इतने लोग नहीं हो जितने उसके घर में नौकर हो। वो तरकारी भी खरीदने जाए तो गाड़ी में जाए, ऐसा बस में लटक के नहीं आए। और दोबारा ऐसे बेशरम लोग लेकर आना नहीं जो 50 गालियां सुनने के बाद भी यहीं चिपक के बैठे रहते हैं। क्यों पंडित, तू कौन से जन्म का बदला लेने के लिए हमें यहाँ लाया था जो इतनी बेइज्जती कर रहे हैं ये हमारी? चलो। हाँ तो जाओ। दादा, बेटियों के बाप होकर लोगों से ऐसा बर्ताव कर रहे हो तुम? बेटियां घर में बैठी रह जाएगी तो क्या भिखारियों को उठाकर दे दो? जा अपनी जगह बैठो। बेटियां घर में बैठी और तुम क्या हारे हुए लीटर के चमचे की तरह गर्दन लटका के बैठे? चलो डोबा निकलो, चलो। जा रहा हूँ लेकिन आऊंगा जरूर। अभी आने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, मिलने तो जरूर आऊंगा। काहे के लिए? जब तक मिलूंगा नहीं चैन नहीं आएगा। तो मुझे धमकी दे रहा है क्या? नहीं, धमकी नहीं दे रहा हूँ लेकिन मिलने जरूर आऊंगा। 40? मैं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बन के रह गया हूँ। दुनिया इसको भले पागल कहे मगर मेरे लिए तो बेरर चेक है, जब चाहूँ जितना चाहूँ निकाल लूँ। मगर तू एक बात बता, जब मैं नहीं था तो तुझे मेरी याद आती थी? हेलो जी, मुझे आपकी बहुत याद आती थी। जब भी मैं किसी चोर को देखती थी ना, मुझे आपकी बहुत याद आती थी। चोर को देखकर मेरी याद आती थी? अब 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 वो एक चोर मेरा बटवा लेके भागा था ना हनीमून पे, आपने उसे पकड़ लिया था इसी। अच्छा अच्छा, मैं कुछ और समझ बैठा। और पता है, मैं जब भी किसी भिखारी को देखती थी ना, मुझे आपकी बहुत याद आती थी। अरे तू होश में है? भिखारी को देख के मेरी याद आती थी क्यों? अब अब मेरे कहने का मतलब ये है कि हाँ, आप मंदिरों में जाके पुण्य दान का काम करते हो ना, इसलिए। अच्छा, किसी कुत्ते को देख के मेरी याद नहीं आई? हाँ आती थी ना, वो मोहल्ले का कुत्ता। अरे वाह, चोर को देख के मेरी याद आती थी, भिखारी को देख के मेरी याद आती थी, कुत्ते को देख के मेरी याद आती थी। अच्छा, मैंने आगे नहीं पूछा। नहीं, वो साला फिर से मेरा कांच तोड़ दिया। मुरारी, मुरारी, अरे मुरारी, क्या यार ये, क्या यार ये, देख देख, तेरे लड़के ने फिर से मेरे घर का कांच तोड़ दिया। ये तू बॉलिंग कर ले। अरे तेरे को उसकी हिम्मत की दाद देना चाहिए, उसको फूलों के हार पहनाना चाहिए, उसकी आरती उतारना चाहिए, उसके पैरों में नारियल फोड़ना चाहिए। ऐसी शॉट में सचिन तेंदुलकर पैदा होते हैं, सौरव गांगुली पैदा होते हैं, द्रविड़ पैदा होते हैं। ये इंडिया की आने वाली टीम है। अरे तो ये टीम बनाने के लिए मेरे घर के कांच तोड़ने जरूरी है क्या, वो भी हर रोज? अरे इतना कीमती कांच तोड़ दिया। ए मुरारी जी, दादा गड़बड़ करोगे ना तो दादाजी को फोन करके मनी ऑर्डर के बारे में बता दूंगा तब खुद। अरे क्यों चिल्ला रहा है यार, कितना बढ़िया शॉट मारा है उसने। उसकी हिम्मत की दाद दे, उसकी आरती उतार, उसके पैरों पर नारियल फोड़, और फिर अपने इन बच्चों में तो हमारे हिंदुस्तान की आने वाली क्रिकेट टीम छुपी हुई है। इन्हीं में कोई सचिन होगा, कोई द्रविड होगा, इन्हीं में कोई एक छोटा सरदार भी है, हरभजन सिंह। बच्चों खेलो बेटा खेलो, डोंट वरी, मैं हूँ ना। अबे जाने से चल। भाभी जी, मैं कह रहा था कि मैं हूँ ना। तू है? ये हूँ ना तो मैं कहाँ हूँ ना? आप भी हो। मैं भी हूँ। मेरे कहने का मतलब है आप ही हो। एक ब्रेक के बाद फिर से स्वागत आपका रेडियो उड़ान पर। शो चल रहा है कॉमेडी का क्रोकोडाइल, मेरे यानी मंथले मनीष के साथ। इनकी एक फिल्म आई थी बाप नंबरी और बेटा 10 नंबरी, क्यों याद है ना आपको? आपने भी देखी होगी ये फिल्म, जिसमें इन्हें बेस्ट कॉमेडियन का अवार्ड मिला था। इन्होंने शक्ति कपूर के साथ इस फिल्म में जोड़ी बनाई थी और क्या खूब कॉमेडी की थी, बहुत हंसाया था लोगों को। वैसे इनकी शक्ति कपूर के साथ जोड़ी बहुत पुरानी है, इन्होंने 80 के दशक में बहुत सारी फिल्मों में शक्ति कपूर जी के साथ जोड़ी बनाई है।
जो बहुत ही ज्यादा हिट रही है और लोगों ने बहुत ही ज्यादा पसंद किया इन्हें। वैसे इनकी जोड़ी और भी बहुत सारे कॉमेडियन के साथ बन चुकी है, जैसे असरानी, वो भी बहुत अच्छी रही थी। और इनकी जोड़ी एक एक्टर के साथ बहुत ही ज़्यादा हिट रही है, जो बॉलीवुड के हीरो नंबर वन है, कुली नंबर वन भी है और आंटी नंबर वन भी है। क्यों, पहचान लिया आपने इनको? यह है गोविंदा। गोविंदा के साथ तो इनकी जोड़ी बहुत ही ज़्यादा हिट रही है और लोगों ने इनको बहुत प्यार दिया है। बहुत सारी अच्छी अच्छी फिल्में आई हैं इनकी गोविंदा के साथ। एक फिल्म आई थी दूल्हे राजा, जिसमें इन्होंने एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन का रोल किया है, जिनका अपना एक 5-स्टार होटल होता है और उसी होटल के लोन में गोविंदा ने अपना छोटा सा ढाबा बना लिया है, जिसे हटाने के लिए पूरी फिल्म में मशक्कत करते नजर आए हैं। तो क्या होता आगे इस फिल्म में, आप खुद ही देखिए। मैं आपके लिए लाया हूँ दूल्हे राजा के कुछ कॉमेडी सीन्स। इसे सुनिए और एंजॉय कीजिए रेडियो उड़ान को, और सुनते रहिए कॉमेडी का क्रोकोडाइल ओनली ऑन रेडियो उड़ान। ये तो काफी फिरा हुआ है यार, ये अंदर कहाँ जा रहा है? लगता है ये आठ, अरे ओ आठवें आजू में, अरे रुक, ये क्या परमानेंट है क्या? जी तुम इत्तेफाक से इस होटल के मैनेजर तो नहीं है ना? आपने ठीक पहचाना, मगर आपन कौन? मैं इस होटल का नया मालिक हूँ। सर जी, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। ये तुम बागे क्यों चल रहे हो ऐसे? नहीं, मैं बागेपुर का रहने वाला हूँ ना। तो क्या बागेपुर में से वाले टेढ़े पैदा होते हैं क्या? नहीं नहीं, बागेपुर में बागे पुल पे, बागे पेड़ पे, बागे डाल पर बैठ के गिर गया था ना, तब से ये हालत। अच्छा अच्छा, मैं तुम्हारा ये बांकापन सीधा कर सकता हूँ। जो आदमी उल्टा पैदा होता है ना, अगर उसकी लात तुम यहाँ खा लो तो बांकापन टेढ़ापन सब सीधा हो जाता है। अरे सेठ जी, उल्टा तो मैं भी पैदा हुआ था, एक बार अपनी कब्र पे लात मारने की कोशिश की, मुंह के बल गिर गया, तब से और ये हड्डियां जाम हो गई। इत्तेफाक से मैं भी उल्टा पैदा हुआ था, अभी मेरी लात खा के देखो तुम कैसे सीधे होते हो। लात मारोगे? अरे उधर कहाँ ले जा रहे, इधर फिराओ। रेडी, जरा आहिस्ता मारना। आहिस्ता मारने से निकलेगा नहीं, अपना समझ के मारना। अपना नहीं, सेठ जी मैं ठीक हो गया। मानता है कि नहीं? थैंक यू जी, मानता सेठ जी। एक मिनट, मेरी तरफ से। ये क्या है जी? मैं रोज मालिश वाले को 5-5 रुपए देता हूँ, मैं आपको 10 रुपए दे रहा हूँ। मैं मालिश वाला हूँ क्या बे? नहीं नहीं नहीं, ये मेरी तरफ से गुड लक है। ओ, गरीब की तरफ से? जी जी। बोला नहीं किसी को? हाँ नहीं। हाँ फिर तो चल, मैंने तेरी प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दिया है कि नहीं? आपने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी सर, लेकिन मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता हूँ। मेरी गाय की प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ही तो है सर जी, इसीलिए दीवानी आपको आधे दाम में ये होटल बेचकर भाग गया। क्या मतलब? इधर आइए बताता हूँ, इधर आइए, ये देखिए। किधर? आपके होटल के कंपाउंड में ये ढाबा, लोग रहते यहाँ हैं, खाते वहाँ हैं, नहाते यहाँ हैं, धोते वहाँ हैं। अरे इस ढाबे को मैं चुटकी में उखाड़ के फेंक दूंगा। जब पुराने मालिक नहीं उखाड़ सके, आप उखाड़ लेंगे। क्या बोला बे? मेरा मतलब है, जाओ उस ढाबे के मालिक को यहाँ पेश करो। कुल्फी मलाई फिरनी है जो पेश करूं? उल्टी खोपड़ी का है, गाँव गया है छुट्टियों में। अगर मैं मिला भी दूं ना, तो जरा सोच समझ के बात कीजिए उससे, नहीं तो क्या कर लेगा वो? तो तुम हो छोटे से ढाबे के मालिक? छोटा ढाबा समझकर कहीं आदमी को छोटा मत समझना। क्या है बे? सेठ जी बोल रहा, सुनो सुनो। क्या है? अपना करेक्टर थोड़ा टेढ़ा है, अपन किसी से लड़ जावे ना तो बंदा कुछ ऐसा कर डालता है कि सामने वाला ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं सोच सकता। अरे ख्वाब आएंगे तो सोचेंगे ना, आपसे जो पंगा ले उसकी तो नींद हराम हो जाए। अबे तू मेरी तरफ है किसकी तरफ है? आप ही की तरफ। लखाक मेरी तरफ है? बात कह रहा हूँ। काली का बंगन, ये तो टेढ़ी खीर लगती है, निगलने के लिए चापलूसी का शहद लगाना पड़ेगा। शहद से काम नहीं चलेगा। आवाज आई क्या? अरे मन में इतना लाउड बात करोगे तो आवाज तो आएगी ना। बातें तो होती रहेंगी, तुम हमारे पड़ोसी हो, बताओ क्या लोगे? अपने को चापलूसी नहीं चाहिए, मेरा मतलब तकल्लुफ मत करो बाबा यार।
बकरे को हलाल करने से पहले कुछ खिलाया पिलाया जाता है। हाँ वो समझ रहा हूँ। बात बता, तू मेरी तरफ है कि इसकी तरफ है? मैं तो आपकी तरफ हूँ। ये कौन सी तरफ? नहीं, खाने में क्या लेंगे आप? है क्या तुम्हारे पास? चल बोल। हमारे पास चिकन लॉलीपॉप है, चिकन तंदूरी है, चिकन टिक्का है, मटन कबाब है। मेहमान है, खाने दो ना। काम के बीच में बोलेंगे आप? प्लीज, फिश है, चाय पिला के, चाय बाद में दूंगा मैं। मटन कढ़ाई है, चिकन कढ़ाई है। एक काम कर, एक प्लेट सब ले, बाद में खाने का ऑर्डर दे डालेंगे। पिछले जन्म में भैंसा था क्या? ये बोले छड़िए आवाज आई क्या? हाँ तो फिर अपने आपको गाली दोगे तो सुनाई नहीं देगा। मैं अपने आपको भैंसा थोड़ी बोलूँ। वही तो बोल रहा हूँ, भैंसा ऐसा थोड़ी होता है। अरे बाप रे, ये तो बहुत चालू आदमी है। अभी तुम्हारे साथ चलने के लिए चालू बनना ही पड़ेगा ना। देखो यार, मैं स्ट्रेट बात करता हूँ तुमसे। तुमने मेरे होटल के अंदर जो ढाबा बना के रखा है, जो झोपड़ा बना के रखा है, वो तोड़ डालो। और क्या करूँ, सड़क पे आ जाऊँ, वड़ा बेचूँ, भजिया तलूँ? नहीं, मेरे होटल में काम करो, मैं तुमको पगार दूंगा 10,000 रुपया महीना। मेरे ढाबे पे काम करो ना, मैं तुमको 20 देता हूँ। देखो मैं तुमसे सीधी बात करता हूँ। ए सेठ जी, फूल मत देना। वो पिछले मालिक ने मेरे नाम की सुपारी दी थी, कुछ बिगाड़ नहीं पाया। गुंडागर्दी की बात नहीं कर रहा हूँ, शराफत की बात कर रहा हूँ। शराफत इसी में है कि मेरे ढाबे के बारे में सोचना बंद कर दो। सही बात है। क्या बात है? बेटी का फोन है। ओ कहने लगी मेरे डैडी बड़े अजीब है। मैंने कहा सही बात है। क्या बोला बे? मोबाइल का लाइन चालू है, बिल जाता है, बात कीजिए ना। करता हूँ। बेटी किसका फोन है? बेटी का फोन है। इसकी बेटी है? एक ही बेटी है, जवान है, खूबसूरत, कुंवारी भी, कुंवारी है। तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई यार। कैसे? घर में लड़का और शहर में ढूंढो ना। हाँ यार, मेरी बात छेड़ना इसे। बात छेड़ो ना, प्रॉब्लम सॉल्व है यार। यस सेठ जी, सेठ जी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। कैसे? बात कीजिए। हाँ क्या? देखिए लाला जी कह रहे थे कि मैं जवान हो गया हूँ और मेरी शादी की उम्र हो गई। और अभी अभी बाकी ने बताया कि आपके घर में जवान बेटी है। तो मैं ये कह रहा था कि आप अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दे दीजिए, मैं अपने ढाबे की चाबी आपके हाथ में दे देता हूँ। तेरी हिम्मत कैसी मेरी बेटी का नाम लेने की? अरे उसमें प्रॉब्लम क्या है? घर में जवान बेटी और फास्टर के सामने ढाबा, दो परेशानी एक साथ दूर होती तो आपको जाता क्या? मैं तेरा मुंह फोड़ डालूंगा। सेठ जी ठीक है, आपने मेरे साथ पंगा ले लिया ना, आज से आपका बुरा टाइम शुरू हो गया है। और यकीन नहीं आता ना तो अपने घड़ी में अपना टाइम देख लीजिए। क्या देखूं बे? इसकी औकात देखी, कहां ये दो कौड़ी का इंसान, कहां मेरी बेटी? अबे हाँ तो बोल। सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी। कौन है? सेठ जी। ओ आर यू फाइन? रात है। सेठ जी लोग फॉरेन से आए हैं। अच्छा? और ये इनके एजेंट हैं। नाइस टू सी यू। ये लोग हिंदुस्तानी और अंग्रेजी फिल्म स्टारों के साथ एक बढ़िया शो करना चाहते हैं। मुबारक हो। थैंक यू। इसलिए हमारा होटल 2 महीने के लिए बुक करना चाहते हैं। सेठ जी, इनका ये स्टेज प्रोग्राम दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम है। अच्छा? इसमें माइकल जैक्सन आएगा। really? इसलिए सिक्योरिटी का इंतजाम जबरदस्त होना चाहिए। अरे सिक्योरिटी पूछे से कैसी होती है? आप बेफिक्री, हमारे सेठ जी खुद बंदूक लेकर गेट पर खड़े रहेंगे। रियली? करता है, मैं वॉचमैन हूं क्या? नहीं, मतलब सब बढ़िया हो। डोंट वरी अबाउट सिक्योरिटी। सेठ जी, वो जो कंपाउंड में आपका ढाबा है ना, उसको हटाना पड़ेगा। ये लोग स्टेज वहाँ लगाना चाहते हैं। आप फिक्र मत कीजिए, मैं वो ढाबे को यूं उड़ा दूंगा तो ठहरना यार। टूट जाएगा ना? हाँ बिल्कुल टूट जाएगा। मैं बुकिंग कंफर्म समझूं? हाँ बिल्कुल, एडवांस दे दीजिए। आप चलिए, अभी आ रहा हूँ मैं, अभी जॉइन कर रहा हूँ आपको। प्लीज कम विद मी प्लीज। सेठ जी आपने ये क्या सौदा कर लिया? अरे वो ढाबा तो आपके पिताजी भी नहीं तोड़ा सकते। क्या बोला? मेरे पिताजी का नाम लेता? नहीं, पुराने मालिकों के पिताजी ने भी कोशिश की, वो भी नहीं तोड़वा सके। इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं आपके पिताजी की बात नहीं कर रहा हूँ। तूने वो मिसाल नहीं सुनी, साम दाम दंड भेद? ये कहना है लफड़ा है? ये लफड़ा नहीं है, साम माने समझाना। आपने बहुत समझाया लेकिन समझा नहीं ना। दाम मतलब दाम देकर खरीदना। आपने खरीदने को इसकी लेकिन वो बिका नहीं। अब दंड देख। दंड क्या है? मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। पिछली बार उस ढाबे वाले से आपने पंगा लिया तो हफ्ते भर तरह तरह के तेलों से मैंने मालिश की थी। इस बार पंगा लिया तो ये हालत हुई। उसने मेरे होटल के 2 माले गिरा दिए, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। गरम मत हो, ये आप गरम होने से बर्फ पिघल जाती है। 30 किलो बर्फ खत्म हो गई है। चले सो चल रहा है। मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। अरे क्या हुआ डैडी? तबीयत ठीक नहीं है। आप नीचे चलिए, आपकी 2 मिनट में तबीयत ठीक करती हूँ। क्यों, कोई स्पेशली डॉक्टर लेकर आई है? डॉक्टर नहीं, आपका होने वाला दामाद आया है। ये दूसरा नया दामाद? दामाद नहीं, हुआ अखबार हुआ डेली चेंज। शट अप इडियट। डैडी चलिए ना, वो इंतजार कर रहा है नीचे। घर तो अच्छा है राजा, अब ये देखना है कि होने वाला ससुर कैसा है। हे भगवान, ये खड़ूसिया क्या कर रहा है? ये कौन है? मुझको देखकर उछल कर उस तरफ मुंह फिरा के बैठ गया। थोड़ा सा शर्मीला है, आपसे डरता है ना डैडी? डरने की क्या बात है, मैं कोई भूत हूँ, राक्षस हूँ, खा जाऊंगा उसको क्या? सेठ जी से पहले जो आया था ना, उसने आंखें छुपा रखी थी। उसकी आंखों में गड़बड़ थी, इसने मुंह छुपाया, कहीं इसके मुंह पे लाना तो नहीं? अरे नहीं यार, एक लगा जरा
मर्दों की तरह अपना चेहरा दिखाना तो भाई। देखिए अगर आप मुझे देख लेंगे तो आपकी जिंदगी में तूफान आ जाएगा, आप हिल जाएंगे, आपके पैरों के नीचे जमीन निकल जाएगी। ऐसा कौन सा खूबसूरती का भंडार तुम्हारे चेहरे पर रखा जिसको देख के मैं हिल जाऊंगा? अपना चेहरा दिखा। देखिए बच्चों ने कहा कि अच्छे बुजुर्ग जिद नहीं करते। अरे बच्चों की ऐसी के तैसी, तुम अपना चेहरा दिखाते हो या उड़ के तुम्हारा हाथ खींच लूं मैं? चेहरा दिखाओ। वैसे मैं चाहता तो नहीं था मगर फिर भी आप इतनी जिद कर रहे हैं तो लीजिए, पेशे खिदमत है ये। अरे फायर ब्रिगेड बुलाओ, दोस्तों को बुलाओ, रिश्तेदारों को बुलाओ, अरे गाने वालों को बुलाओ, रोने वालों को बुलाओ। उल्टी सीधी फालतू बात करता है बेवकूफ। बाकी हाँ, इनको कहीं मिर्गी की बीमारी तो नहीं है? मिर्गी? अरे हाँ, अरे जूता सुंघाओ, सड़ा हुआ प्याज सुंघाओ। एक मिनट में सुंघाता हूँ जूता। सेठ जी जूता सुंघिए और होश में आइए। सेठ जी अब इनको सड़ा हुआ प्याज सुंघाओ या फटा हुआ जूता, होश तो इनको इंटरव्यू के बाद ही आएगा। मंगल मांगल्य शिव स्वाद शादी के क्षण में त्रंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अब आप खड़े होकर फेरे लीजिए। पकड़ो मंगलम भगवान। ये शादी नहीं हो सकती, बंद करो। यमदूत आ गया। भागे भागे, रोक इसको, रोक इसको, भागे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप लगे रहो, मैं बुढ़ों को देखता हूँ, आने दो। ये टावल छोड़ दिया? आप जिद छोड़ दो, मैं टावल छोड़ दूंगा। अरे पंडित जी ये 420 है, ये मकारी है, जालसाजी है, ये शादी मेरी मर्जी के खिलाफ हो रही है। अरे इसकी बातें मत सुनो, तुम लोग घूमते रहो, पागल हो जाएगा। ए पंडित, अरे बंद करा यार। चली करो पंडित जी, हो गया हो गया, टावल मत छोड़ना बे, टावल मत छोड़ना। विवाह संपूर्ण हुआ। क्या बात करे, हो गया? अब आप दोनों पति पत्नी हो गए। अरे ऐसे कैसे पति पत्नी हो गए? कन्यादान तो हुआ नहीं। कन्यादान मैंने किया सेठ जी। अब आप दोनों जाकर आशीर्वाद लीजिए। पहले आप जाइए ना, मुझे बहुत शर्म आती है। नहीं नहीं, मैं इस फुटबॉल प्लेयर का आशीर्वाद नहीं लूंगा। जाइए ना। अच्छा तुम कहती तो मैं डेटिंग करता हूँ। ससुर जी, सासू जी, देखिए जो कुछ भी हो उसके लिए मैं शर्मिंदा नहीं हूँ। ठहरो, ये शादी नहीं हो सकती, बंद करो। मुबारक हो सिद्धानी जी, मुबारक हो। अबे किस बात की मुबारकबाद? एक तो मेरे दुश्मन से मेरी बेटी की शादी करा दी, ऊपर से मुबारकबाद दे रहा है। शादी मैंने? हाँ तूने। अगर तूने मेरा टॉवल ना पकड़ा होता तो मैं एक फेरा ना होने देता, ऊपर से तूने मेरी बेटी का कन्यादान कर दिया, तू होता कौन है बे? कन्यादान? मैं खुद लोगों से दान मांगता फिरता हूँ, मैं कहाँ से कन्यादान करूंगा? सेठानी जी आपके भाग फूट गए, सेठ जी तो सरक गए, डॉक्टर को बुलाइए, चेकअप कराइए, मुझे टेंशन हो रही है। मैं मारूंगा इसको, बहुत मारूंगा। ठीक ही तो कह रहा है ये, आप क्या अनाप शनाप बोल रहे हैं? कैसी शादी, किसकी शादी? जरूर आपने कोई सपना देखा। अरे काय का सपना, इसने मेरा टॉवल पकड़ा। मेरा टॉवल किधर? मेरा टॉवल किधर? कौन सा टॉवल? मेरा टॉवल किधर है? मेरे पास रुमाल नहीं, टॉवल कहां से लाऊं? अरे हाँ, मैं सपना देख रहा था, किरण बेटी की शादी नहीं हुई। अरे किरण बेटी की शादी नहीं हुई, मेरे कपड़े में वही है, देखो सब कुछ वही है जी। न जाने आप क्यों बेहोश हो गए थे। मैं क्यों बेहोश हो गया था? मालूम नहीं सेठ जी, लेकिन आपको होश में लाने के लिए हमने क्या क्या नहीं किया। सड़े हुए प्याज सुंघाए, माली की गंदी बनियान सुंघाई, बदबूदार जूते सुंघाए, देखो जूतों में ढेर लगा हुआ है, जूते बेहोश हो गए, फिर भी आप होश में नहीं आए। उसके बाद मैंने अपने ये सॉक्स सुंघाया, तब होश में आए। इसको जेब में रख, इसकी सड़ी हुई बदबू सुंघे, मैं सपने से बाहर आ गया। होश में तो आया कम से कम। होश में किरण बेटी कहाँ? वो अपनी सहेलियों के साथ फार्म हाउस गई है। सहेलियों के साथ कहाँ गई होगी? जरूर ढाबे वाले के साथ गई होगी। मुझे बहुत गर्व लगती है सेठ जी, आप उसको संभालिए वरना मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। अबे बेटी मेरी है, तू कैसे मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा? जब आपका मुंह काला होगा तो मेरा नहीं होगा। मेरा जूता। सेठ जी आइए, सेठ जी क्या खाएंगे? ये जूता। सेठ जी को जूता खिलाओ। अबे जूता खिलाओ नहीं, उतार के दे, मेरा जूता लटका के रखा है तूने। देखिए सेठ जी, लोग अपनी दुकान चलाने के लिए घोड़े की नाल लगाते हैं, मैंने आपका जूता लगा दिया है, और जब से जूता लगाया है मेरा धंधा इतना अच्छा चल रहा है ना कि मैं नहीं मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं जूता नहीं दूंगा, मेरे से होगा नहीं। अबे बिना पेंडी के लोटे तू इधर क्या कर रहा है? इधर खाना खाने आया था। अबे तू मेरे होटल का मैनेजर है, खाना इधर खाता है? क्या है कि मेरी तनख्वाह तो आपके यहाँ खाने पीने में चली जाती है, बचता क्या? आप सोचिए मेरे फ्यूचर का क्या होगा। फ्यूचर? अरे ये गोरा, ये मेरे होटल में रहता, खाना इधर खा रहा है। सिर्फ गोरा ही नहीं, ये काला, वो पतला, वो मोटा, ये सारे अपने होटल में रहते हैं लेकिन खाने यहाँ आ जाते। क्यों?
मेरा खाना क्या सड़ा हुआ है? इनके पेट में दर्द होने लगता है। यहाँ से आपका खाना चार गुना महंगा है। ऊपर से सेल टैक्स, मेल टैक्स, ये टैक्स। ऊपर से मेरे होटल में जो खाए एक बार वो आए यहाँ बार बार। अबे तू उसकी तरफ है कि मेरी तरफ है? मैं तो आपकी तरफ हूँ। ये कैसा मेरी तरफ है? उंगली उसकी तरफ है लेकिन दिल आपकी तरफ है। मैंने आपका नमक खाया है, अभी तो मेरे से मार भी खाएगा। सठिया गए हैं आप। कुछ नहीं कुछ नहीं। ये ढाबे वाला बहुत परेशान कर रहा है, इसको रास्ते पे लाना पड़ेगा। सेठ जी मुझे कहां लेकर आ गए आप? बताता हूं, ये पर्ट बोर्ड। वेरी गुड, भेज दो होटल। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अबे ये बोर्ड मेरा नहीं है, मेरा बोर्ड ये। अरे बाप रे, महाराजा इंटरनेशनल का नया रेट। ये क्या, चिकन मसाला 175 का 25 रुपीस और राइस 120 का 20 रुपए, तंदूरी फिश 100 रुपए का 100 रुपए, और ये क्या, एक बियर के साथ कैमरे मुफ्त। क्या कर रहे हैं आप, बर्बाद हो जाएंगे आप। उस ढाबे वाले को जड़ से उखाड़ने के लिए मैं कुछ दिनों के लिए बर्बाद होने को तैयार हूँ। मानता है ना मेरे दिमाग की स्कीम को? अब उस ढाबे पे कौवे भी नहीं बोलेंगे। हेलो, केके स्पीकिंग। सेठ जी कमाल हो गया, कमाल हो गया। अरे आपके दुश्मन का धंधा ऐसे साफ हो गया जैसे मुंडन के बाद सर के बाल साफ हो जाते हैं। अरे ये तो कुछ भी नहीं, शाम तक देखना उसका ढाबा भी साफ हो जाएगा। और तू एक काम कर, कल रात की एक ट्रेन की टिकट मंगवा के रखना। सेठ जी क्या आप गाँव जा रहे हैं? अबे उल्लू के पट्टे, मैं नहीं जा रहा हूँ, वो ढाबे वाले को भेज रहा हूँ। दुश्मन के गले में अपनी जीत का और उसकी हार का हार पहना कर रवाना करूंगा। बस मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। हाँ क्यों बाके, क्या हाल है दुश्मनों का? दुश्मन का हाल छोड़िए, अपनी जेब से रुमाल निकाल लीजिए। क्यों? आंसू पोंछने के लिए रुमाल तो क्या, चादर भी छोटी पड़ सकती है आपको। क्या बकवास करता है बे? वो देखिए, ये इतनी भीड़ गई की यार, लोग लाइन लगा के क्यों खड़े? जो लोग बैठे खा रहे हैं ना, ये उठेंगे तब इनका नंबर लगेगा, ये खा के उठेंगे तो औरों का नंबर लगेगा। सारी कहानी उल्टी पड़ गई सेठ जी, ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन निकला है। वो कैसे? आइए आपको बताता हूँ। इधर चलिए, आपको पढ़ना लिखना तो आता है ना? तो पढ़िए। भाइयों और बहनों, आओ पेट भर के खाओ, जब जी में आए चुकाओ, नहीं तो मत चुकाओ। जय हिंद। जय हिंद। ये रही ट्रेन की टिकट। अबे उल्लू के पट्टे, जब तुझे पता है कि उल्टी गंगा बह चुकी तो फिर उसके लिए ट्रेन की टिकट लाने की क्या जरूरत है? इसकी ट्रेन की टिकट नहीं, आपके गांव की टिकट, अलीबाग की। हाँ? क्या बोला? जनाब कहाँ है, बुलाओ मेरे दुश्मन को। सेठ जी इसे कहते हैं कबूतर चला हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल गया। अबे कबूतर नहीं कौवा, कम से कम मिसाल तो ठीक से दिया कर। अभी आपको मिसाल के अंदर घुसने की क्या जरूरत है? वही तो मैं बोल रहा हूँ। खैर 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 खैर, मेरा ढाबा हटाने के लिए आप साम दाम दंड भेद सारे प्रयोग अपना चुके लेकिन आप नाकामयाब रहे। अगर वाकई आपको मेरा ढाबा हटाना है तो एक चांस मैं आपको देता हूँ, आपको मेरे साथ मुकाबला करना पड़ेगा। काहे का मुकाबला? गाने बजाने का। अगर आप जीत गए तो मैं ढाबा हटा दूंगा, अगर मैं जीत गया तो आपको अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में देना पड़ेगा। मुझे बंदूक। अरे मेरी निकल पड़ी। सेठ जी बिना सोचे समझे आपने हाँ बोल दिया, गाना बजाना आपका काम है। अबे तेरे को नहीं मालूम, इसको भी नहीं मालूम, क्या मैं खानदानी मीरासी हूँ, होटल से पहले हमारा यही सब तो काम था। मेरे को पहले से शक था, माँ कसम, लेकिन दिल मानता नहीं था। सड़क पे थोड़ी गाता बजाता था, नहीं, नहीं। खानदानी मतलब रजवाड़ों के यहाँ गाता बजाता था, मगर एक चीज में बहुत कमजोर हूँ। क्या? शायरी नहीं आती। अरे उसकी फिक्र मत कीजिए सेठ जी, मैं भी सड़क छाप शायर हूँ, शायरी की टांग तोड़कर आपको पेपर पे लिख कर देता रहूंगा, बस आप सुर ताल संभालिए। क्या बात है, क्या बात है सेठ जी, आज तो आप ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे पहली बरसात में मेंढक और कछुए खुश होते हैं। उल्लू के पट्टे, अब किसी की तारीफ करते तो मिसाल तो अच्छी देनी चाहिए। मैं कछुआ हूँ, मेंढक हूँ, क्या है? बहुत खुश नजर आ रहे हैं, बात क्या है? अरे खुश क्यों नहीं होगा, आज मेरा दुश्मन मेरी बेटी को ढूंढ नहीं पाया होगा, हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से आउट हो जाएगा। वो बबूल का कांटा है, इतनी आसानी से आउट नहीं होगा। एक बात बता, तू मेरा मैनेजर है, मुझसे पगार लेता है, तू मेरी तरफ है कि उसकी तरफ है? मैं तो आपकी ही तरफ हूँ। ये कैसा मेरी तरफ है? नहीं नहीं आप समझे नहीं। अच्छा मैं नहीं समझा। मेरा मतलब है वो बालों में चिपके चिंगम की तरह है, जब चिंगम बालों में चिपकता है तो उतनी जगह के बाल काटने पड़ते हैं, लेकिन चिंगम अपनी जगह नहीं छोड़ता। अबे जगह तो क्या, मैं उसे शहर छोड़वा दूंगा। हाँ हंसता क्या है? मैं शहर तो क्या,
मैं ये घर छोड़ने को तैयार नहीं हूँ सेठ जी। ये आने वाला वक्त ही बताएगा, 24 घंटे गुजरने वाले हैं, उसके बाद तेरी हार और मेरी जीत। मैं इतनी आसानी से नहीं हारने वाला हूँ सेठ जी। तो क्या भरतनाट्यम भंगड़ा करके हारेगा? वो तो पता नहीं, मगर आपसे तांडव और कुचिपुड़ी जरूर करवाऊंगा। इंस्पेक्टर अजगर सिंह रिपोर्टिंग। इंस्पेक्टर अजगर सिंह, अच्छा हुआ आप आ गए सर। अरेस्ट? मैं इसको नहीं, आपको अरेस्ट करने के लिए आया हूँ। मुझे किस जुर्म में? इन्होंने कंप्लेंट लिखवाई है कि आपने अपनी बेटी का मर्डर किया है, खून। नहीं नहीं सर, ये झूठ बोल रहा है। कानूनी तौर पर हमें आपके घर की तलाशी लेनी पड़ेगी। सिपाही फाड़, दीवारें खोद डालो, सोफे फाड़ डालो, कारपेट उधेड़ डालो, झूमर नीचे गिरा दो, और फिर भी अगर लाश नहीं मिले तो बाहर बुलडोजर खड़ा है, इस मकान पे चला डालो। अरे ऐसे कैसे? अरे अरे आप पुलिस वाले हैं कि इनकम टैक्स वाले हैं? खड़कुड़ खड़कुड़ कर क्या कर रहे हैं? मिस्टर के क्राइम ब्रांच से हमको खबर मिली है कि आपने इनकी अनारकली को अपने घर के किसी दीवार या खंबे में चुनवा दिया है। अनारकली टूट जाएगा यार। अनारकली सर, ये रे वाला लाश। अरे किरण, किरण, अरे इस कभी ने बाप ने अपनी फूल जैसी बच्ची को मार डाल। नहीं नहीं, ये सब झूठ है, ये हो ही नहीं सकता है। तुम बाप नहीं जल्ला दो। अबे काय को नाटक कर रहा है यार, ये खून मैंने किया ही नहीं है। अरे चूड़ीदार मेरे किरण को, चूड़ीदार ये हाथों की चूड़ियां भी वही है। अरे क्या खिला दिया, लड़की काली पड़ गई। लड़की काली मतलब जहर। मिस्टर केके, यू आर अंडर अरेस्ट। आपको कम से कम 14 बरस की सजा होगी या सजाए मौत। अरे यार कैसे हो सकता है, ये मेरी बेटी किरण है ही नहीं। अरे लेकिन है तो है कैसे? इसलिए कि ये हो ही नहीं सकती है। अरे लेकिन है तो हो कैसे? इसलिए कि किरण ये आ ही नहीं सकती है। अरे आ गई है तो आ कैसे नहीं सकती? इसलिए कि मैंने उसको कैद करके रखा हुआ है। अरे छुट्टी है तो कैद कैसे रही? अरे मैंने उसको अपने पुराने बंगले में कैद करके रखा हुआ है। ये झूठ बोलता है, इसका एक ही बंगला, इसका दूसरा कोई बंगला। अरे बाबा मेरे पास खटाला में लाल टेकरी के पास दूसरा बंगला है। थैंक यू, 24 घंटे में पता लगाना था, लगा लिए। मेरे पैसे, मेरे पैसे। कैसे पैसे? 500 रुपया। नाटक करने का? ये नाटक करी थी मेरे साथ यार, और तुम लोग कर दे। लड़की चली गई। लड़की चली गई, फोन आ गया। फोन? हेलो बिल्ली, यहाँ को चूहा नहीं है, हट। दुनिया हमारे पीछे, हम आगे आगे, सबकी निगाहों को धोखा देके भागे। कौन है यहाँ जो मेरे सामने आए, किस में है दम जो मुझसे टकराए, कि मैं हूँ बेटा ये है बाप, ध्यान लगा कर सुनिए आप, कि मैं हूँ बेटा ये है बाप, ध्यान लगा कर सुनिए आप। छोटी नहीं है बात, ये बात है बिल्कुल खरी, बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी, बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी, बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी, बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी। मैं आनंद आठलेकर हूँ, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इंडिया का माननीय सेक्रेटरी हूँ। मैं आप सबका उड़ान चैनल पे स्वागत करता हूँ। नैब इंडिया ये भारत में सबसे पुरानी संस्था है। यहाँ दृष्टिहीनों के लिए एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, ये नौकरी अपनी काबिलियत की वजह से मिली है, और पुनर्वसन की सेवा दी जाती है। नैब इंडिया पर संपर्क करने के लिए आप हमें ईमेल करें hsg@nabindia.info।
आप कॉल कर सकते हैं 0226683 8637।